हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिम्पली टीटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यूनिट 3 का, जिसका नाम है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो चलिए बात करते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होता क्या है। देखिए, ये एक प्रोग्राम है, और कैसा प्रोग्राम है? एजुकेशनल प्रोग्राम, जहाँ पर लोगों की हेल्प की जाती है ये रिकॉग्नाइज करने में, और साथ में ये समझने में कि वो दूसरों की फीलिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एक ग्रुप बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जहाँ पर दैट हेल्प्स पीपल रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स ऑफ अदर, जहाँ पर लोगों की सहायता किस चीज़ में की जाती है? दूसरों के फीलिंग्स को समझने में, और उनकी फीलिंग्स को समझकर रिस्पॉन्ड कैसा करना है उस चीज़ में। तो इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। अब सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या हो गया? जैसा कि मैंने अभी बताया, एक टाइप हो गया एजुकेशन का, या फिर एक ऐसी वर्कशॉप जो डिज़ाइन की जाती है जिसमें इंडिविजुअल्स की हेल्प की जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें अपने बिहेवियर के बारे में, अपने एटीट्यूड के बारे में, जो उनका है किसकी साइड, दूसरों के साइड। तो ये एक एजुकेशनल बेस्ड प्रोग्राम है, जहाँ टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाती हैं इंडिविजुअल्स के लिए। उस वर्कशॉप के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि उनका बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है दूसरे लोगों के प्रति, और ये स्पेशली किस एरियाज में हो सकता है, जैसे एरियाज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, वो होमोजीनियस तो होते नहीं, एक जैसे तो होते नहीं। अलग अलग कल्चर के, अलग अलग एज ग्रुप हो गया, अलग अलग जेंडर, तो डाइवर्स नेचर के लोग होते हैं। तो उनको समझना, उनको एक लेकर चलना, इंक्लूसिव, उन्हें इकट्ठा लेकर चलना और उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सिखाया जाता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, इसका जो मेन फोकस है वो किस पर रहता है? कल्चरल डिफरेंस, अनकॉन्शियस बायस। हम ना जाने अनजाने बायस्ड हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि मैं इस गांव से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने गांव वालों का फेवर करूँगा। अगर मेरे गांव का मिल गया कोई, मैं उसी के साथ ग्रुप बना के घूमती जाऊँगी। तो ये क्या है, यहाँ पर हर किसी को एक्सेप्ट करना, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड हो। माइक्रो एग्रेशन, कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो अपने बिहेवियर को समझना कि हम कहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हमें ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनसे गुस्सा आ रहा है, तो ये माइक्रो एग्रेशंस हो गया। और साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह की परिस्थितियाँ आती जाएंगी, सिचुएशंस आते जाएंगे, अप्स एंड डाउन्स आते जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। और उसके बाद एमिंग टू फोस्टर अ मोर रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अपने बिहेवियर को समझ करके हम ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहे, हम किसी के अगेंस्ट बायस तो नहीं है, या फिर हम इमोशनली सही काम कर रहे हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और एक तरह से ये बोल सकते हैं एक तरह के कल्चर को जो कि सबको एक लेकर चले, ऐसे कल्चर को डेवलप करना। अब अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को लेके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, जहाँ पर सबसे पहला जो की कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अवेयरनेस। अवेयर किसके बारे में होना है? अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड के बारे में। सेकेंड है एम्पैथी, पहला तो अवेयरनेस और दूसरा क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? दूसरे की सिचुएशन में खुद को रखना, कि अगर आप उसकी सिचुएशन में हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, तो ये चीज़ हो जाती है एम्पैथी। थर्ड हो गया कम्युनिकेशन, टीचिंग रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल। इसके अंदर किस चीज़ को सिखाया जाता है कि आप कैसे रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करोगे दूसरे के साथ, और साथ में कैसे आप एक अच्छे लिसनर बनोगे। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसन, ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियस है कि अलग अलग तरह के, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग काम करेंगे, तो उनको एक साथ लेकर कैसे चलना है, ये भी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। और उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे भी रिस्पेक्टफुली तरीके से कैसे रिजोल्व करना है, ये भी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का एक ही कॉम्पोनेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या मेन बेनिफिट्स हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के। सबसे पहले वर्कफोर्स डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, भेदभाव रोकता है। दूसरा,
एम्प्लॉइज़ के मोराल बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ेगी जब सबको एक साथ लेकर काम करेंगे। नेक्स्ट, लीगल इश्यूज़ नहीं होते जब सब मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझेंगे, तो ऑब्वियस है कि कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा कंपनी की ओर। आगे हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस, और इन डेप्थ में जाते हैं इम्पॉर्टेंस में। देखिए, सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंस के इसके पॉइंट है वो इसके मीनिंग से ही निकल कर आ रहे हैं। जैसे प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन है, हमें तो बेस्ट ब्रेन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्किलफुल पर्सन चाहिए, तो वो चाहे कहाँ कहीं से भी मिले, चाहे हम अपने ही स्टेट से मिले, चाहे दूसरे स्टेट से लाने पड़े या दूसरी कंट्री से लाने पड़े, तो चाहे दूसरा स्टेट हो गया चाहे दूसरी कंट्री हो गई, तो कल्चर भी डिफरेंट होगा, उनके सोचने का, उठने बैठने का, रहने सहने का तौर तरीका भी अलग होगा। तो यहाँ पर किस सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से हमें किस चीज़ में हेल्प मिलती है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने में और उसे एक साथ लेकर चलने में। नेक्स्ट, रिड्यूसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस। ऑब्वियस है, जैसा कि हमने बात की थी कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से हमें ये पता चल जाता है कि हम नॉइंगली अननॉइंगली किसी पर्टिकुलर पर्सन की के साथ बायस तो नहीं हो रहे, अगर ऐसा है तो हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव वर्कप्लेस कल्चर। वर्कप्लेस कल्चर कैसे इम्प्रूव हुआ, जैसे ये बोलते हैं ना, अनेकता में एकता, कि डाइवर्स कल्चर के लोगों को भी एक साथ लेकर चलना सीखा। नेक्स्ट, एनहांसेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेट करने का, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेट करने का तरीका सिखाया गया कि रिस्पेक्टफुल कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ और कैसे एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसा कि अभी बात की थी कि हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने में, कहाँ कहाँ क्या क्या सिचुएशन आती हैं और उसमें एक पर्सन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट, मिटिगेट लीगल एंड रेपुटेशनल रिस्क। तो ऑब्वियस है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में सबको एक साथ लेकर चला जाएगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट, सपोर्ट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। किस चीज़ में हेल्प करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, ठीक है, और जो टॉक्सिक बिहेवियर के लोग होते हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने में, जो दूसरे को बुली करते रहते हैं उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, एक हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट कर होने की कोशिश होगी एनवायरनमेंट में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अलाइन विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं उन सबके साथ होती है, तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हेल्प करेगी कि हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर इन शॉर्ट बात करूँ मैं, तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग किसके बारे में है, अबाउट क्रिएटिंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पर इंडिविजुअल्स फील, जहाँ पर लोग क्या फीलेंगे, रिस्पेक्टेड फील करेंगे कि सबकी रिस्पेक्ट की जा रही है, सबको समझा जा रहा है, सबको वैल्यू दी जा रही है, मोरल इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, और मोरल इंक्रीज़ होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा जो टॉपिक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का, वो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक बटन को दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।